मैंने लिखित में दिया है, बहन मायावती जी द्वारा मुझसे 5 करोड़ की मांग की गई लोकसभा के लिए, मैंने व्यवस्था नहीं की और मेरे भाई श्री रामवीर उपाध्याय जी ने मेरे खिलाफ साजिश की, उसके तहत मुझे निकाला गया। ये जो रावण की संख्या दी गई, रावण कौन है? रावण के रूप में रावण जैसा कार्य जिसने किया वही रावण है। नहीं, ये संख्या क्यों की गई है? प्रेस नोट पढ़ी है, उसमें सब लिखा है, डिटेल में लिखा है। तो क्या आप रावण की लंका के विभीषण रहेंगे? जब देखता हूँ क्या मेरे समर्थक क्या कहते हैं, उस हिसाब से काम करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास फोन आ रहे हैं, मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा और मेरे समर्थक जो कहेंगे अभी मैं वो करूंगा। बसपा में आपका एक लंबा कार्यकाल रहा, बसपा के लिए आपने बहुत काम किए और बसपा ने लास्ट टाइम पे आपका हाथ छोड़ दिया, अगला आपका कदम क्या होगा? मैं अपने समर्थकों के बीच में जा रहा हूँ और पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, हर जिले में जाऊँगा, जो मेरे लोग कहेंगे मैं वो करूँगा। अगर बसपा आपको दोबारा वापस ले लेती है और बिना पैसे के आपको टिकट देती तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या आप वापसी करेंगे बसपा में? नहीं, अब तो नहीं जाऊंगा बसपा। बसपा ने जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया बिल्कुल नहीं जाऊंगा बसपा। नहीं, बसपा ने किया कि आपके भाई ने आपके साथ व्यवहार किया है? बसपा और मेरे भाई दोनों ने मिलकर किया। नहीं, तो जैसे कि आपने पहले भी चुनाव आपने बताया था, पहले भी पैसे